अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। सऊदी जेशन के बारे में एक बहुत ज़रूरी अपडेट आप लोगों तक शेयर करना था, इसलिए ये वीडियो को मैं नाइट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी रात के लगभग 12 बजने वाले हैं और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। आप लोगों तक मैंने दो वीडियो शेयर किया, एक वीडियो ये जो मैंने कल शेयर किया था आप लोगों के साथ में, सऊदी जेशन होना है चार प्रोफेशन में, फिर उस पर आज भी मैंने बात की थी सऊदी जेशन के बारे में। तो अपडेट एक्चुअली ये है, इससे पहले सऊदी जेशन का जो अपडेट आया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स से, जो मैंने सऊदी एक्सपैटर्ट्स और सऊदी गजट के सोर्स से आप लोगों को बताया था, उसमें ये बोला गया था कि 20,000 जॉब्स सऊदीज़ के लिए रिज़र्व किए गए हैं। सऊदी अरबिया में चार प्रोफेशन का 20,000 जॉब्स यहाँ के लोगों को दिया जाएगा प्राइवेट कंपनी से। क्या क्या जॉब्स? ट्रांसलेटर का जॉब, स्टोर कीपर का, डेटा एंट्री ऑपरेटर का और सेक्रेटरी का। ये चार प्रोफेशन का जॉब्स को 20,000 यहाँ के लोग रिप्लेस करेंगे, एक्सपर्ट्स काम नहीं करेंगे। लेकिन अभी शाम में एक हैरान करने वाली अपडेट आई है। क्या अपडेट है वो भी मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। ये एक्चुअली सऊदी अरबिया का एक न्यूज़ चैनल है, उसमें इंटरव्यू दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट के जो कंसल्ट ट्रेनर हैं माजिद अल कुवैत, उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने ये कहा कि ये जो चार प्रोफेशन है, डेटा एंट्री ऑपरेटर, स्टोर कीपर, ट्रांसलेटर और सेक्रेटरी, इसमें 100% सऊदीज काम करेंगे। 8 तारीख की बात की गई थी, 8 तारीख से इम्प्लीमेंट होना था, 8 मई 2022 से। तो आज 8 मई है, तो आज से ये लागू हो चुका है 100%। इसमें सिर्फ सऊदी ही काम करेंगे, कोई भी अगर गैर मुल्की बंदा काम करता हुआ दिखा तो ये एक वायलेशन होगा। वायलेशन उस बंदे के लिए भी होगा कि वो बंदा वायलेट कर रहा, और उसके कंपनी के लिए भी होगा। इस पे क्या एक्शन होगा, कितना फ़ाइन होगा, ये सब कुछ जिक्र किया गया नहीं है इस इंटरव्यू में, लेकिन उन्होंने क्लियरली ये कहा है कि ये एक वायलेशन है। हालांकि इससे पहले के वीडियो में भी मैंने आप लोग को बताया है कि जो भी सऊदी जेशन के लिए अनाउंसमेंट होता है, टारगेट उसमें 100% का ही रहता है, भले ही वो क्वार्टरली बेस पे अचीव किया जाता है। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का कहना है इसमें 100% हम इंस्टेंट सऊदी जेशन करेंगे। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न ये है, इन्होंने कहा है 20,000 जॉब्स ये चार प्रोफेशन को मिला के, क्योंकि इसका कोई एक डेटा नहीं कि खारजी लोग कितना काम करते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर का कितना खारजी लोग काम करते हैं, सेक्रेटरी का कितना खारजी लोग काम करते हैं, स्टोर कीपर का कितना खारजी लोग काम करते हैं, ट्रांसलेटर का, इसका अगर कोई एक डेटा रहता तो मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता कि कितने लोग उस पोजीशन में काम कर रहे हैं। तो ये डेटा अभी तक कहीं पे भी मिला नहीं, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे कहीं से भी नहीं मिला, ना ही वो डेटा को मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने एक्सपोज करा है कि अभी फ़िलहाल कितने डेटा एंट्री ऑपरेटर में बाहरी लोग काम कर रहे हैं, कितने स्टोर कीपर में काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये है, क्या बाहरी लोग टोटल 20,000 ही काम कर रहे हैं ये चारों प्रोफेशन में मिला के? अगर टोटल 20,000 ही काम कर रहे हैं तब तो फिर उनकी जॉब चली जाएगी, क्योंकि 100% सऊदी जेशन ये करेंगे, और ये क्लियरली बोल रहे हैं कि वहाँ पे अब खारजी लोग काम नहीं कर सकते। खारजी लोग अगर काम करेंगे तो वो एक वायलेशन होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, अब मान लीजिए प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, बहुत सारे लोगों का इकामा सेम नहीं रहता है। किसी बंदे का इकामा है स्टोर कीपर का, जॉब भी है स्टोर कीपर का, तब तो फिर मुश्किल है उस बंदे के लिए, उसका जॉब नहीं बच सकता, उसको यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि इकामा रिन्यू नहीं होगा जावा जात के तरफ से, क्योंकि सऊदी जेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, सऊदी कौंसिल, जावा जात सबके साथ में लिंक है, यहाँ का जितना भी गवर्नमेंट डेटाबेस है सबके साथ में लिंक है। तो सऊदी जेशन में जो प्रोफेशन रिजर्व हो चुके हैं वो इकामा बनेगा नहीं, तब उस बंदे के पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं रहेगा, उसको एग्जिट जाना पड़ेगा। इनकेस अगर कंपनी चाहे कि नहीं ये बंदे को हम एग्जिट नहीं भेजेंगे,
हम इसको यूटिलाइज करेंगे कोई और प्रोफेशन में, तो उसके लिए पहले तो इकामा प्रोफेशन को चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ सकती है, अगर वो बंदे का सैलरी ज़्यादा है। अब मान लो कोई और प्रोफेशन में जहाँ पे सऊदीजेशन नहीं हुआ है, एग्जाम्पल पे टेक्नीशियन कर ले लेता हूँ, उसको एज ए इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन काम करवाना चाहे। अब इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन का एवरेज सैलरी कितना है? स्टोर कीपर से अगर कम रहेगा, मान लो स्टोर कीपर का सैलरी उसका 4,500 4,000 रियाल है और इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन का 2,000-2,500 है, तो यहाँ पे कोई कंपनी चाहेगा नहीं कि हम इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन को, ये बंदे को जो है 4,000 4,500 सैलरी दे के काम कराए। उसको बोलेगा भाई आपको जो सैलरी है उतनी सैलरी देंगे इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन का, आपको काम करना करो नहीं तो फिर आपकी मर्जी। ये चीज़ होता है, मैं प्रैक्टिकली देखता हूँ मेरे खुद के कंपनी में और इससे पहले के कंपनी में भी मैंने देखा है, और ये चीज़ को कोई इनकार नहीं कर सकता, ये होता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा जो लोग ये चार प्रोफेशन से जुड़े हैं। इसके बाद सेकंड एक क्या हो सकता है, जिन लोगों का इकामा मिसमैच है लेकिन काम करते हैं वो स्टोर कीपर का, तो चलो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, कंपनी उनको रख सकती है, भले ही जो काम वो कर रहे स्टोर कीपर का वहाँ पे उनको ना रखे, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने बोल दिया तो वहाँ पे ऑडिट करने के लिए जाएंगे, अब चेक करने के लिए, देखने के लिए कि प्राइवेट कंपनी का स्टोर कीपर जो है सऊदी है या फिर खारजी ही है। अगर खारजी रहेगा तो बंदे के लिए भी मुश्किल है और उस कंपनी के लिए भी मुश्किल है। तो मेरे चैनल पे आप लोग अगर नए हैं तो सऊदी जेशन का प्लेलिस्ट में आप ज़रूर विजिट करना, ये मेरा चैनल जब आप ओपन करेंगे वीडियोज़ में बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप लोग देख सकते हो, ये सब आपके लिए हेल्पफुल होंगे। यहाँ पे प्लेलिस्ट बना दिया हूँ मैंने, ये प्लेलिस्ट पे क्लिक करिएगा, प्लेलिस्ट में देखिएगा ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो का ये अलग प्लेलिस्ट है, इकामा रिलेटेड वीडियोज़ आपको यहाँ पे मिलेंगे, 6 वीडियो हैं, इंडिया ट्रैवल अपडेट से रिलेटेड वीडियो है, सऊदी ट्रैवल अपडेट से रिलेटेड 25 वीडियो है, सऊदी जेशन से रिलेटेड 14 वीडियो है। तो ये प्लेलिस्ट को जब आप ओपन करिएगा यहाँ पे और भी बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, वो वीडियो को देखिएगा, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा सऊदी जेशन के बारे में। मैंने और भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं अलग अलग प्रोफेशन के। वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा वो इंटरव्यू भी दिखा देता हूँ, वीडियो में उन्होंने क्या कहा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के जो स्पोक पर्सन है उन्होंने क्या कहा, ये मैं आप लोग को सुना देता हूँ, ये सुनिए। التوطين يعني من اليوم ورايح أي أحد بمسماه غير سعودي يكون وافد مسماه في الإقامة سكرتير أو مترجم. तो इस इंटरव्यू में उन्होंने क्लियरली कहा है ये जो चार प्रोफेशन है ये चारों प्रोफेशन का 20,000 लोगों का इकामा रिन्यू नहीं होगा, इसका मतलब 20,000 लोगों की जॉब जाने वाली है। तो वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए अपना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।